मांग संख्या 39 पशुपालन चिकित्सा पर है। बोलने के लिए माननीय सभापति महोदय मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा, उन बिंदुओं को रिपीट नहीं करूंगा जिनका बारे में माननीय पक्ष और विपक्ष के दोनों ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 342 लाख हेक्टर कृषि भूमि है, जिसमें से आधी जमीन पर है, करीब 49% पर खेती होती है। जो यहाँ पानी उपलब्ध है उसका करीबन 90% हिस्से को सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है, और देश का जितना भी कृषि का एरिया है उसका 11% राजस्थान में है। माननीय सभापति महोदय, किसानों और कृषि के बारे में केवल बातें करना, उनके बारे में चिंता करना ही पर्याप्त नहीं है। किसानों के कल्याण के लिए, कृषि के विकास के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं पिछले 20 साल 25 साल से भी अगर अपन तुलना करते हैं तो जो किसानों का प्रोडक्ट है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। जहाँ MSP की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसमें भी पूरी फसल नहीं खरीदी जाती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर में इनपुट्स काम में लिए जाते हैं उनकी कीमतें 5-5, 7-7 गुना बढ़ गई है। माननीय सभापति महोदय, अगर इनको जब तक हम इनमें अधिकतम निवेश करके जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे कृषि क्षेत्र को, तब तक किसी भी हालत में जो अभी चर्चा चल रही है कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी कर दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, 2022 में 9 महीने बाकी बचे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से उनकी इनकम दुगनी हो जाएगी। अगर इतने ही देख होते तो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हैं, वो इस तरीके से आके आंदोलन पर दिल्ली की सीमाओं पर आके किसी भी हालत में नहीं बैठते। माननीय सभापति महोदय, अगर इनकी इनकम दुगनी करनी है तो 2022 नहीं अगर 24 तक भी कर दी जाए तो सबसे पहले राजस्थान में तो सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। जैसे माननीय सभापति महोदय, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की आवश्यकता है। राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई का भयंकर संकट है, और आगामी वर्षों में और भी ज़्यादा होगा, उसकी चिंता अभी से करनी है और उसके लिए किसी भी तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले 30-40 सालों में, यूँ कहिए आज़ादी के बाद में, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए गए हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, चाहे राजस्थान कैनाल हो, माई डैम हो, आपका जवाई डैम हो, कोटा का जो चंबलपुर डैम बढ़ाया गया है, ये सब करके काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। माननीय सभापति महोदय, चूरू, झुंझुनू और सीकर के लिए यमुना नदी से पानी लाने का 1994 में समझौता हुआ था। 24 साल गुजर जाने के बाद भी ताजे वाले हेड से अभी तक इस इलाके को पानी नहीं मिला है, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ओखला हेड से भरतपुर के लिए पानी आना था, 17 साल का जो देखा गया है, उसका सर्वे किया गया है, उसका 40% पानी ही भरतपुर को मिल रहा है, 60% की चोरी होती है या वहाँ की सरकार हमारे राजस्थान को हिस्से को दे नहीं रहे। माननीय सभापति महोदय, एक CAD और W वाटर मैनेजमेंट की एक स्कीम थी,
उसको अप्रैल 2017 से बंद कर दिया गया है, जिसमें 7 योजनाएं जो सिंचाई की थी उसको राजस्थान को नहीं मिला। मेरा कहने का आशय है माननीय सभापति महोदय कि इन तीनों चारों जो योजनाएं मैंने बताई, इनमें केंद्र सरकार का बहुत ज़बरदस्त सहयोग की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा वहाँ से आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ के राजस्थान के किसानों के बारे में चिंता की जाए और इनकी आय दुगनी करनी है तो ये 4-5 जो योजना है उनमें भारत सरकार मदद करे। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो दूसरे इनपुट है आपके बजट का है, इसमें राजस्थान सरकार ने तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में काफ़ी कुछ रखा है, सेपरेट अगले साल से सेपरेट बजट की भी बात कही है। उसका माननीय सभापति मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, एक दीर्घकालीन कृषि नीति की आवश्यकता है, कर्ज की सहज उपलब्धता हो इसकी व्यवस्था करनी है, पानी बिजली की व्यवस्था करनी है, संकट के समय किसानों को मदद की आवश्यकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें खरीदी जाए इसकी आवश्यकता है, और बाजार तक फसल पहुँचे और उसमें की उचित मूल्य मिले इसके लिए जो APMC का जो ढांचा है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन के बारे, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा है वो खेती के अनुकूल नहीं है, वहाँ की मिट्टी और पानी का ऐसा मेल नहीं है जिससे कि बहुत अच्छे लाभदायक धंधा हो खेती। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के जो घास है, सेवन है, धामण है, अंजना है, ये प्रोटीन युक्त घास है और इसको ही डेवलप किया जाए और वहाँ के पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे बस्सी के बारे में भी 2 बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी, गोपालन मंत्री जी, इनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक राजस्थान में पहला डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक माननीय सभापति महोदय, 2013 में एक मंडी का मेरी विधानसभा में नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन आज तक नहीं हुई, तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उस मंडी को जल्दी से जल्दी निर्माण करे और उसको चालू किया जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा माननीय आपसे के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जब फसल सोइंग का समय हो तो जो आप किट देते हैं उन्नत बीज की, खाद की, तो वो जल्दी समय पर दी जाए ताकि लोग सही टाइम में वो उसकी बुआई कर सके। आपने समय दिया माननीय सभापति महोदय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संतोष भावरी, श्रीमती संतोष भावरी। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशु पालन एवं चिकित्सा।